नमस्कार, न्यूज बुलेटिन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां मुनी की रेती थाना पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से ढालवाला स्थित एक फैक्ट्री से चोरी की गई लोहे के 35 प्लेट भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। मुनी की रेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि राजेंद्र प्रसाद कंडवाल की ढालवाला में लोहे की फैक्ट्री पर है, जहां उन्होंने एक हफ्ते पहले वीरभद्र रोड निवासी गोपाल नाम के गार्ड को फैक्ट्री की रखवाली के लिए तैनात किया था, लेकिन गोपाल ने फैक्ट्री में रखवाली के दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। इसके बाद गोपाल ने नौकरी पर आना छोड़ दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर गोपाल को उसके साथी अमजद निवासी गागल हेड़ी सहारनपुर के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने फैक्ट्री में चोरी करने का जुर्म भी कबूल कर लिया। दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी पुलिस कर रही है। इसी के साथ इंस्पेक्टर रितेश शाह ने लोगों से अपने प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूर कराने की अपील की है। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि के द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए विवादित बयान से भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी भड़क गए हैं। जहां युवा मोर्चा के जुड़े दर्जनों पदाधिकारियों ने कोयल घाटी में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तमिलनाडु के सीएम का पुतला फूंका, सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही युवा मोर्चा के जिला महामंत्री शिवम टुटेजा ने कहा कि सीएम तमिलनाडु के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म के खिलाफ विवादित बयान देकर अपनी मानसिकता का परिचय दिया है, जिसे युवा मोर्चा बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। विवादित बयान पर सीएम और उनके बेटे को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 करोड़ रुपए का चंदा देने वाले टाटा बाबा के शिष्य स्वामी शंकर दास ने वन रेंजर के खिलाफ लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को तहरीर दे दी है। तहरीर में स्वामी शंकर दास ने वन विभाग और रेंजर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही स्वामी शंकर दास का कहना है कि उनको वनवासी का दर्जा मिला हुआ है। बावजूद इसके वन विभाग ने जबरदस्ती वन क्षेत्र में स्थित टाट बाबा की कुटिया को जबरदस्ती तोड़ दिया है। कार्रवाई के दौरान मंदिर में वन विभाग के कर्मचारी जूते के साथ घुस गए। वन विभाग के रेंजर ने भी उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज कर दिया, जिससे वो काफी आहत है। इसलिए उन्होंने वन विभाग के उच्च अधिकारियों से रेंजर को निलंबित करने और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस से रेंजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से पृथ्वी पर जन्म लिया था। यही कारण है कि हर साल इस दिन भक्त श्रद्धा से और हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। सितारगंज नगर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही सितारगंज के सनातन धर्म मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। तत्पश्चात सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से नहलाकर भजन कीर्तन किया। उसके पश्चात प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के लोग सितारगंज के मंदिर में पहुंचे हैं। वर्ष की बात है, इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सनातन धर्म मंदिर सितारगंज में कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी के लिए आज अभी अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है और शाम को जन्माष्टमी का जन्म का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा धूमधाम के साथ। मंदिर में तमाम झांकियां और पूरा सजाया जा रहा है, तो पूरे क्षेत्र के पूरे सितारगंज शहर के लोग इसमें आते हैं अपने। श्रीनगर गढ़वाल में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। यहाँ एनआईटी उत्तराखंड के समीप एक NH7 पर आर्मी के वाहन और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई है। इसके साथ ही भिड़ंत कितनी जबरदस्त रही होगी, इसका अंदाजा आप तस्वीरों के साथ लगा सकते हैं। आर्मी के वाहन के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, वही पिकअप का भी यही हाल है। लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, ना ही कोई जानहानि हुई है। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। वहां के लोग बता रहे हैं वहां पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, वही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फतेहपुर जिले के थाना बंदकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कंचनपुरा मजरा
सेलावन गांव की मूल निवासिनी ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि विगत 4 सितंबर को वो अपने घर पे मौजूद थी, तभी उसके विपक्षी गोलू नजीत सुनील वही विनोद और अबलू पुत्र चंद्रपाल से कहा सुनी और मारपीट हो गई थी। जिस घटना को लेकर पीड़िता अपने नजदीकी चौकी खुजा जाकर शिकायत की तो पीड़िता ने बताया कि चौकी इंचार्ज भारत सिंह और कई पुलिस कर्मियों के द्वारा उसे चौकी के कमरे पर बंद करके मारा पीटा गया और शाम को ये कहकर छोड़ दिया गया कि अगर इस बात की कहीं भी कोई शिकायत करेगा तो फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया जाएगा। जहां पीड़िता ने बताया कि तभी 4 सितंबर को विपक्षियों की सह पर प्रभारी निरीक्षक बिंदकी अरुण कुमार चतुर्वेदी और सब इंस्पेक्टर भारत सिंह और सब इंस्पेक्टर गोविंद आरक्षी कप्तान आरक्षी दीपक के साथ आए और मेरे साथ मारपीट किया और फायरिंग करने लगे, साथ ही एलसीडी टीवी पर सोलर पैनल तोड़ दिए। इसके साथ ही रिक्शा की 4 बैटरी मोटरसाइकिल नंबर यूपी के 71 वही Y6213 को तोड़ दिया। इसके साथ ही मोबाइल को भी उठा ले गए। हाँ भाई, एक बेटा हमको सब लोग ने मदद दीजिए, हम मदद मांग रहे हैं, पुलिस वाले हमको जीने नहीं देते। ये आए हैं, कम गए थे तो दोनों तरफ झगड़ा हो रहा था, हम लड़के को लैट्रीन कराने गए थे तो वहाँ पे हमको मारपीट करने लगे तो हम चौकी गए थाने के, हमको पकड़ के वहाँ मारने लगे, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हाईटेक ट्रेन वंदे मातरम का इंजन टेक्निकल समस्या की वजह से बंद हो गया। वही हाईटेक ट्रेन का इंजन बंद होने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ट्रेन का इंजन बंद होने से कोच में फंसे रहे यात्री और ट्रेन का इंजन सही होने के बाद ही ट्रेन को रवाना किया गया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर ट्रेन बंद होने से वहां पर हड़कंप मच गया। G20 के सम्मेलन में मेहमानों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से निमंत्रण पत्र भेजे जाने के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जहां देश का नाम बदले जाने की सरकार की कवायद पर पूरी विपक्ष बौखला गई है, इसी के साथ ही विपक्ष जहां इस मुद्दे पर सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं बीजेपी सरकार के मंत्री इसे सही ठहरा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि देश का नाम भारत ही है और भारत का नाम अब से नहीं बल्कि सनातन समय से देश का नाम भारत है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के नाम पर ही देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है और शिक्षा मंत्री गुलाब देवी विपक्ष भी जमकर भड़क उठी। उन्होंने इस दौरान कहा कि विपक्ष इस समय मानसिक रूप से खोखला हो गया है और विपक्ष क्या कहने लगे हैं ये उनको पता ही नहीं है, नाम पर मुद्दे उठा रहे हैं। विपक्ष के सवालों पर भी गुलाब देवी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आज 27 चेक बांटे गए हैं, जहां ओलावृष्टि हुई थी या कोई ऐसे ही आकस्मिक दुखद घटना हो गई, किसी के बेटा मारा गया उसमें, किसी के पति की मृत्यु हो गई तालाब में डूबकर, किसी के बच्चे की मृत्यु हो गई, ऐसे लोगों को 4-4 लाख रुपए और बकाया जो और लोग हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी क्षति का अवलोकन करते हुए उनके लिए चेक का वितरण किया गया। संभल जिले के नखासा थाना इलाके के गांव में शर्मनाक घटना घटी है। यहां शर्मनाक वारदात में मकान मालकिन के लड़के ने गरीब किराएदार की 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। यही नहीं, 30,000 का लालच देकर आरोपियों ने 2 दिन तक मामले को दबाए रखने की कोशिश की, हालांकि बाद में पीड़िता की मां ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने रेप के आरोपी नाबालिग लड़के को किशोर न्यायालय भेजा गया है, जहां बताया जा रहा है कि 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना नखासा थाना इलाके के निकटवर्ती गाँव की है। यहाँ एक कलाकार का परिवार इस गाँव के मकान में किराए पर रहता था। बताया जाता है कि गुजारा ना होने पर पीड़ित परिवार की महिला भीख मांगकर पेट भरती है। वही आरोप है कि गृह स्वामी की गैर मौजूदगी में मकान मालकिन के लड़के ने किराएदार की 7 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया और किसी को कुछ भी पता ना चल पाए इसलिए पीड़िता को धमकाया। पीड़िता ने अपनी मां को अपनी सारी वारदात के बारे में बताया, जिसके बाद परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो करीबी थाने पर जाकर के इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज करवाए। दिनांक 5/9/23 को थाना नखासा दिन पर संभल पर तहरीरी सूचना मिली कि एक बच्ची नाबालिग के साथ एक नाबालिग लड़के द्वारा दुष्कर्म कार्य किया गया है, जिसके संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया।
तथा विधिक कार्रवाई अमल में लाते हुए बाल अपचारी को उसके परिवारजनों के साथ रिमांड हेतु किशोर न्यायालय भेजा गया। पुलिस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को गोली लग गई। जी हां, तीन अन्य गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए महादिया बनकटी में गौ तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इसी के साथ ही पुलिस की मुठभेड़ में एक युवक घायल भी हो गया है। बताया जा रहा है कि तीन को हिरासत में ले लिया गया है। इसी के साथ ही पुलिस ने गौ वध करने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव 2024 के सपा के मैनिफेस्टो में कहा था कि देश का नाम इंडिया की जगह भारत होना चाहिए, भारत का नाम रखना चाहिए, जहां जिससे देश का गौरव वापस लाया जा सके। आपका क्या राय है इस पर बताएं। वहीं अब इंडिया गठबंधन को क्यों दिक्कत हो रही है, जिस पर बोले शिवपाल यादव। बताया जा रहा है कि इंडिया और भारत ये संविधान में नाम है, और जब संविधान में नाम है तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का मामला हमेशा उठाती रहती है, ऐसा विपक्ष का कहना है। जहां तक हटाने का मामला है तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद यहां से हट जाएंगे, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन जब संविधान में है तो दोनों नाम संविधान में होते हैं, तो इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर पहुंचे, जहां मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने इस्कॉन मंदिर में राधे कृष्ण के दर्शन किए। मुख्य सचिव ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने दुर्गा शंकर मिश्रा ने देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई भी दी। मंदिर पहुंचे दर्शन करने, क्या प्रदेशवासियों को कहना चाहेंगे आज जन्माष्टमी? आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। मैं इस अवसर पर सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेश का विकास हो, हर कोई का कल्याण हो, देश हमारा तेजी से आगे बढ़ता जाए। भगवान की कृपा, जो कि योगेश्वर भी हैं, द्वारिकाधीश हैं, बहुत सारे उन्होंने पूरी जो लीला की है धरती पे, उसका सबको लाभ मिले, हम सब उनकी कृपा से आगे बढ़े। दर्दनाक सड़क हादसा, तीन लोगों की मौत। जी हाँ, मसौली बाराबंकी बुधवार की देर रात तकरीबन 11 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया। लखनऊ से सवारी लेकर गोंडा जा रही थी, वही तेज रफ्तार प्राइवेट बस बंदौरा गांव के निकट सड़क किनारे खड़ी सरिया लदी डीसीएम में जा रही थी और वहां पर जाकर डीसीएम में घुस गई। इस दर्दनाक हादसे में बताया जा रहा है कि दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है, वही आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें घायल यात्रियों को सीएचसी बड़ा गांव सहित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दर्दनाक सड़क हादसा बिंदौरा गांव के निकट का है, जहां लखनऊ से गोंडा की ओर जा रही यात्रियों से भरी प्राइवेट बस डीसीएम में जाकर घुस गई और लदी हुई सरिया बस को फाड़ती हुई यात्रियों तक पहुंच गई। ग्रामीणों ने तेज आवाज के साथ हुई दुर्घटना के गांव वालों को भी इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद सूचना पर ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाया और मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य में जुट गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। करीब 9:30 बजे लखनऊ से गोंडा जाने वाली एक प्राइवेट बस का आगे जा रही सरिया लदी हुई ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की जान मौके पे चली गई थी, लेकिन उसमें से जो अन्य 5 लोग हैं उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। 1 लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है, 4 लोग बड़ा गांव जो मसौली थाना क्षेत्र में है वहां पे हैं, वो लोग ठीक हैं, शेष उपचार चल रहा है। घर वालों की जानकारी करके उनको बताया जा रहा है, लगभग परिवारजन आ रहे हैं, शांति व्यवस्था मौके पे है, ट्रीटमेंट चल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जनपद में समस्त श्री कृष्ण मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिरों में कल बुधवार से ही श्री कृष्ण भक्तों का पूजा अर्चना करने का लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसी के साथ ही यहां पिंडर घाटी के नारायण बगड़ में लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रद्धालुओं की हमेशा की तरह बड़ी संख्या में भीड़ लग रही है। बुधवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर से श्री कृष्ण भक्तों ने रात्रि जागरण कर भगवान का जन्म होने का इंतजार किया, साथ ही भजन कीर्तन किया। रात्रि के ठीक 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म होने पर मंदिर में उपस्थित श्रद्धालु जमकर झूमते हुए दिखाई दिए, वहीं भजन पर झूमने लगे और भगवान की आरती पूजा अर्चना करने के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया।
आगरा के थाना सया के गांव बेरिया में 40 वर्षीय युवक का शव पला मिला। आपको बता दें कि घर के 5 दिन से वो युवक गायब था। बताया जा रहा है कि शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। जो है युवक के शरीर पर चोट के निशान भी है, वही युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। यूपी के फतेहपुर में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी कार्यालय से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों को कांग्रेस की नीतियां बात कर जोड़ने की बात कही है। इसी के साथ ही ठाकुर दरियाव सिंह के प्रतिमा पर माला अर्पण करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया गया। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ, आज की वर्षगांठ हम लोग 7 सितंबर को मना रहे हैं। उस भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली थी, वो भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों में, 2 केंद्र शासित राज्यों में, 75 लोकसभा में, लगभग 76 लोकसभा में, 75 जिलों में हम लोगों ने पूरे देश में भ्रमण किया। आदरणीय राहुल गांधी से कारवा बना। अज्ञात चोरों ने आयशर वर्कशॉप को अपना निशाना बनाया। वर्कशॉप की छत को काटकर 1.5 लाख से अधिक रुपए की कीमत का माल चोरी किया गया। जी हां, चोरी की घटना को अंजाम देकर अज्ञात चोर मौके से फरार हो गए। वही आयशर वर्कशॉप को खोलने पहुंचे जब मालिक, तो वहां पर चोरी की घटना को देखकर उनके होश उड़ गए। जानकारी होने पर पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, जिसके बाद चोरी की घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने लोगों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाकर जांच में जुट चुकी है। वही आगरा अलीगढ़ बाईपास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।